यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सपा के प्रदेश सचिव का एक ऑडियो पार्टी के लिए मुसीबत बन गया है। सपा सरकार में राज्य मंत्री रहे सपा के प्रदेश सचिव राम सिंह राणा का एक ऑडियो वायरल हो रहा है। ऑडियो में वो किसी से बात कर रहे हैं कि बीजेपी और योगी प्रदेश की जरूरत है, सपा इस चुनाव में 100 से 110 सीटों पर ही सिमट जाएगी। हालांकि प्रदेश सचिव राम सिंह राणा इसे विरोधियों की साजिश बता रहे हैं। उनका कहना है कि पॉलिटिकल करियर खराब करने के लिए ये एडिटेड ऑडियो फैलाया जा रहा है। इसे लेकर राणा ने लखनऊ के गोमती नगर थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। वायरल ऑडियो में राणा की आवाज में कहा जा रहा है कि पश्चिम यूपी में पिछली बार 7% मुस्लिमों ने मतदान किया था, लेकिन इस बार 30% मुस्लिम वोट देंगे। वहां का जाट, दलित और महिलाएं बीजेपी की रट लगा रही है। क्या राणा देवबंद तक का मुसलमान कह रहा है कि बीजेपी की सरकार चाहिए। वहां की महिलाएं योगी को सीएम बनाना चाहती हैं। उनका कहना है कि जहां शाम के 6 बजे के बाद बाहर निकलना मुश्किल था, वहां अब रात 12 बजे भी कोई आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। ऑडियो में राणा की आवाज में कहा जा रहा है कि प्रदेश की जनता कह रही है कि अखिलेश ने अपनी सरकार में केवल सफाई के लिए ही सब कुछ किया था, इसलिए वो सफाई के आसपास 5 जिलों तक सीमित रह जाएंगे। वही गोमती नगर इंस्पेक्टर केशव तिवारी का कहना है कि राणा की तरफ से FIR दर्ज करवाई गई है, ऑडियो की जांच की जा रही है।